Perfect pages of his scripture that seem of cloudy purple and dusky gold. There is a passage in which the seer beholds a violent rim of wheels. मैं थोड़ा धुंधला सा याद कर पा रहा हूँ, शायद मुझे ठीक से याद है कि स्क्रिप्चर्स के उन प्रोफेटिक पेजेस में, मतलब जो भविष्यवाणियाँ थी स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड, दैट सीम ऑफ क्लाउडी पर्पल, एक बादलदार बैगनी डस्की गोल्ड, धुंधला सोने की तरह, देर इज़ अ पैसेज, एक पैसेज लिखा हुआ है जिसमें बिहोल्ड्स अ वायलेंट ड्रीम ऑफ व्हील, जिसमें एक पहिए का सपना लिखा हुआ है. परहैप्स दिस वॉज इन नीड द सिम्बॉलिक डिक्लेरेशन ऑफ द स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी ऑफ मैन. शायद ये ऐसी घोषणा थी जिसमें मनुष्य की सर्वोच्चता बताई गई है, आध्यात्मिक वो कहाँ तक पहुँच सकता है ये बताई गई है. वट एवर द बर्ड्स में डू अबव, जो भी चिड़िया ऊपर करती हैं, और फिशेज बीनीथ द शिप, और जहाज के नीचे जो मछलियाँ होती हैं, मैन इज़ द ओनली थिंग टू स्टीयर, एक आदमी ही है जो उन्हें देख सकता है, उन्हें परख सकता है. द ओनली थिंग टू बी कंसीव्ड एज स्टीयरिंग, उन्हें चला सकता है, उन्हें घुमा सकता है, मनुष्य के हाथ में है ये. द ओनली थिंग टू बी कंसीव्ड एज स्टीयरिंग, एक आदमी के पास ही ऐसी ताकत है. ही मे मेक द बर्ड्स हिज फ्रेंड्स, वो चिड़ियों को अपने दोस्त बना सकता है अगर वो चाहे. ही मे मेक द फिशेज हिज गॉड्स, वो मछलियों को अपना भगवान मान सकता है, इफ़ ही चूजेस, अगर वो उन्हें चूज़ करता है. बट मोस्ट सर्टेनली ही विल नॉट बिलीव अ बर्ड एट द मास्ट हेड, लेकिन निश्चित रूप से वह कभी उन चिड़ियों पर भरोसा नहीं करेगा. एंड इट इज़ हार्डली लाइक दैट ही विल इवन परमिट अ फिश एट द हेल, और ये भी असंभव की तरह ही है कि वो एक फिश को अपना देवता माने, वो उसे भी एक पतवारी समझेगा. ही इज़ एज स्विनबर्न सेज, आदमी एक ऐसा है, स्विनबर्न जैसा कहते हैं, हेल्समैन एंड चीफ, ही इज़ लिटरली द मैन एट द व्हील, वह एक ऐसा इंसान है जो पहिए पर है. स्विनबर्न हेल्समैन चीफ के अनुसार आदमी एक पहिए पे ही रहता है. द व्हील इज एन एनिमल, पहिया एक जानवर है, दैट इज ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, वो हमेशा अपने सिर पर खड़ा रहता है. ओनली इट डज इट सो रैपिडली दैट नो फिलोसोफर हैज एवर फाउंड आउट व्हाट इज इट्स विच इज इट्स हेड, वो इतनी जल्दी से घूमता है कि आज तक किसी फिलोसोफर ने ये पता नहीं लगा पाया है कि उसका सिर कौन सा है. और इफ द फ्रेज बी फेल्ट एज मोर एग्जैक्ट, और अगर इस फ्रेज को बहुत ही सच तरीके से देखा जाए, इट इज़ एन एनिमल, यह एक ऐसा जानवर है, दैट इज़ ऑलवेज टर्निंग हेड ओवर हील्स, जो हमेशा अपने सर को घुमा लेता है, एंड प्रोग्रेसिंग बाय दिस प्रिंसिपल, और हमेशा आगे बढ़ता जाता है. यहाँ टर्निंग हेड ओवर हील्स का मतलब है एड़ी पर सिर घुमाना. एक कहावत उन्होंने यूज़ किया राइटर ने कि पहिया एक ऐसी चीज़ है, ऐसा जानवर है जो अपनी एड़ी पर अपना सिर घुमाता है, और इतनी तेज़ी से घुमाता है कि आज तक कोई पता नहीं लगा पाया इसका सिर कौन सा है और इसका हील कौन सा है. सम फिश आई थिंक टर्न हेड ओवर हील्स, कुछ मछलियाँ मुझे ऐसा लगता है कि अपनी एड़ी पर सिर घुमाती हैं. सपोजिंग देम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट टू हैव हील्स, मान लिए उनके पास हील्स हैं, एक ऊँची हील्स हैं. आई हैव अ डॉग हु नियरली डिड इट, मेरे पास एक कुत्ता था जो भी वो भी ऐसा करता था. एंड आई डिड इट वंस माई सेल्फ, और मैंने भी एक बार ऐसा किया है, वेन आई वॉज वेरी स्मॉल, जब मैं एक छोटा था. इट वॉज एन एक्सीडेंट, यह एक छोटा सा एक्सीडेंट था. एंड एज डिलाइटफुल नॉवलिस्ट मिस्टर डी मॉर्गन वुड से, और जैसा कि एक नॉवलिस्ट हैं डी मॉर्गन, वो कहते हैं, वुड से इट कैन नेवर हैपन अगेन, ऐसा कभी आगे से ऐसा कभी नहीं हो सकता. सिंस देन नो वन हैज़ अक्यूज्ड मी ऑफ बीइंग अपसाइड डाउन एक्सेप्ट मेंटली, और तब से किसी ने मुझे ऐसे नहीं देखा है अपसाइड डाउन, मतलब उल्टा होते हुए, एक्सेप्ट मेंटली, मतलब किसी ने सपोज करने के अलावा. मेंटली मैं ऐसा हो सकता हूँ लेकिन फिजिकली नहीं. एंड आई रादर थिंक दैट देर इज़ समथिंग टू बी सेड फॉर दैट, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए कुछ कहा जा सकता है, स्पेशली एज टाइपिफाइड बाय द रोटरी सिंबल. इसे एक रोटरी सिंबल कहा जा सकता है, मतलब एक घूमने वाला प्रतीक कहा जा सकता है. अ व्हील इज द सब्लाइम पैराडॉक्स, वन पार्ट ऑफ इट इज ऑलवेज गोइंग फॉरवर्ड एंड द अदर पार्ट ऑलवेज गोइंग बैक, पहिया एक पैराडॉक्स दिशा में चलता है, मतलब विरोधाभास दिशा में चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में. एक इसका अगर एक पार्ट आगे जाता है तो एक दूसरा पार्ट पीछे आता है, और ये ऐसा हमेशा होता है. नाउ दिस एज इट हैपेंस, अब जब ऐसा होता है, इज़ हाईली सिमिलर टू द प्रॉपर कंडीशन ऑफ एन ह्यूमन सोल, ये बिल्कुल एक इंसान की आत्मा के जैसा है, और एनी पॉलिटिकल स्टेट और एक स्टेट के जैसा है.
Every sane soul or state looks at once backwards and forwards. जैसे एक इंसान की आत्मा अपने अतीत को देखती है, फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है, और वैसे ही एक स्टेट जो अपने पिछले रिकॉर्ड्स को भी याद रखता है एंड आगे की भी सोचकर आगे बढ़ता है, उसे ठीक वैसे ही एक पहिए का कंपेरिजन किया गया है। वो आगे भी देखता है एंड पीछे भी, और कभी कभी पीछे भी जाता है, मतलब अपने अतीत से कुछ सीखता भी है। फॉर दोज इंटरेस्टेड इन रिवॉल्ट, उनके लिए जो कि वॉर में विश्वास करते हैं, एज आई एम, जैसे कि मैं हूँ, आई ओनली से मीकली दैट वन कैन नॉट हैव अ रिवोल्यूशन विदाउट रिवॉल्विंग। और मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई ऐसा रिवोल्यूशन नहीं आ सकता है बिना रिवॉल्व किए, मतलब बिना घूमे, बिना अपने अतीत को देखे, बिना अपने फ्यूचर का सोचे, कोई भी एक नया रिवोल्यूशन नहीं आ सकता है, कोई भी एक मूवमेंट नहीं आ सकता है, कभी चेंज नहीं हो सकता। द व्हील बींग अ लॉजिकल थिंग, व्हील को एक लॉजिकल थिंग मानकर, हैज़ रेफरेंस टू वॉट इज़ बिहाइंड एज वेल एज वॉट इज़ बिफोर। और इसको अगर रेफरेंस मानकर हम देखें तो देख सकते हैं कि हमारे पीछे क्या है और हम पहले थे कैसे। इट हैज़ एज एवरी सोसाइटी शुड हैव, इसके पास जैसे कि सारी सोसाइटीज़ के पास होना चाहिए, अ पार्ट, एक ऐसा पार्ट है दैट परपेचुअली लीप्स हेल्पलेसली एट द स्काई एंड अ पार्ट दैट परपेचुअली बोज डाउन इट्स हेड इन टू द डस्ट। इसके पास ऐसा पार्ट है जो आगे की तरफ एक स्काई आसमान को देखता है, अपनी ऊंची उम्मीदों को देखता है, एंड दूसरी तरफ अपनी पिछली चीज़ों, मतलब जिस धूल से वो उठकर खड़ा हुआ है, उन चीज़ों को बोझ डाउन, मतलब उन्हें प्रणाम भी करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, अपनी पुरानी चीज़ों को रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ता है। ऐसे ही एक सिंबल माना जा सकता है व्हील को, जो आगे की तरफ बढ़ते हैं उन्हें कभी अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से वो आज इतना आगे आए हैं। वाई शुड पीपल बी सो स्कॉर्नफुल ऑफ अस हु स्टैंड ऑन आर हेड्स, उनकी डिसरिस्पेक्ट क्यों करना, उनका तिरस्कार क्यों करना जो हमारे बल पर खड़े हैं, ठीक है। एक तरफ आकाश की ओर छलांग लगाना और दूसरी तरफ अपनी धूल में अपना सिर झुकाना, ये एक खुशी की बात होती है। बोइंग डाउन वन साइड इन द डस्ट इज़ अ वेरी गुड थिंग, अपना सिर उस मिट्टी में झुकाना एक बहुत ही अच्छी बात होती है जिसके बल पर हम खड़े हैं। द हम्बल बिगिनिंग ऑफ ऑल हैप्पीनेस, वहीं से हमारी सारी खुशियों की शुरुआत होती है। वेन वी हैव बोड आवर हेड्स इन द डस्ट फॉर अ लिटिल टाइम, जब हम थोड़ी देर के लिए अपना सिर अपनी मिट्टी पर झुकाते हैं, द हैप्पीनेस कम्स, एक खुशी मिलती है। एंड देन लीविंग आवर हेड्स इन द हम्बल एंड रेवरेंट पोजिशन, वी किक अप आवर हील्स बिहाइंड इन द एयर, और थोड़ी देर सिर झुकाने के बाद, एक हम्बल सा, एक विनम्र प्रणाम करने के बाद, वी किक अप आवर हील्स बिहाइंड इन द एयर, हम अपनी एड़ी को पीछे की तरफ ठेलते हुए आगे बढ़ते हैं, और तब हमारी छलांग कुछ ज़्यादा ही ऊँची होती है और हम आगे की तरफ कुछ ज़्यादा ही उत्सुकता से देख पाते हैं। दैट इज़ द ट्रू ओरिजिन ऑफ स्टैंडिंग ऑन वन साइड, यही एक असल की बात होती है कि हम अपने सिर के बल खड़े हुए हैं, अपने सिर के बल, मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना, यहीं से शुरू होता है। एंड द अल्टीमेट डिफेंस ऑफ पैराडॉक्स, और एक विरोधाभास का एक रक्षात्मक मान सकते हैं, ये हमें विरोधाभास से बचाता है। द व्हील हम्बल्स इटसेल्फ टू बी एग्जाल्टेड, और पहिया अपने आप को एक विनम्र तरीके से झुकाता है ऊपर जाने के लिए। ओनली इट डज इट अ लिटिल क्विकर देन आई डू, अंतर बस इतना है कि वो मुझसे थोड़ा तेज करता है। मैं भी अपने अतीत को प्रणाम करता हूँ, लेकिन पहिए के रिस्पेक्ट में मैं थोड़ा धीरे करता हूँ एंड पहिया मुझसे बहुत तेज चलता है। सो इसका टोटल मीनिंग यही है कि हमें आगे की तरफ देखना तो चाहिए, लेकिन पीछे की तरफ कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पास्ट, वी शुड रिस्पेक्ट आवर ओरिजिन फ्रॉम वेयर वी आर ग्रोन। टू राइज अप हाई इन द फ्यूचर आवर बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड आवर ओरिजिन इज द ओनली बेस वी हैव। सो दिस वॉज द एसे बाय जी के चेस्टरटन। थैंक यू।